दोस्तों देख सकते हो आप लोग कि मैं इसी से एलईडी से स्टार्ट किया हूं, मतलब इसी से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। कुछ इस तरह का हम लोग का व्यू लगेगा और कुछ इस तरह से हम लोग इसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जो कि इजीली कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड हम लोग का यहां पे माइक भी हो जा रहा है, एलईडी भी हमें मिल जा रहा है जो कि हमारे फेस को ब्राइटनेस देगा, एंड आपका फोन भी लग जाएगा, कैमरे भी लग जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक वीडियो मेकिंग किट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें त्रिपॉड मिलता है जो कि कैमरे में भी काम करेगा एंड मोबाइल में भी काम करेगा। उसके अंदर हम लोग को एक एलईडी मिलता है एंड हम लोग को उसके अंदर एक माइक भी मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस है ओनली 1499 रुपए है, और इसका जो प्राइस है हर वक्त चेंज होता रहता है। तो आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय आप चेक कर सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है। तो आइए बिना लेट के इस वीडियो के अंदर सब कुछ जानते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, एलईडी का जो फोकस है वो कितना है, हम लोग का जो माइक है उसका क्वालिटी कैसा है। तो आइए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा हम लोग का वो बॉक्स जिसकी हम लोग अभी ऑपरेशन करने वाले हैं, तो इसको फटाफट से इसके ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे इसका बाकी सब डिटेल दे दिया गया है जो कि मैं आपको जूम करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल डिटेल भी है। ठीक है, मैं फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसका ऑपरेशन भी कर लेते हैं। ओ भाई साहब, और दोस्तों ये क्या, हम लोग को इस बॉक्स के अंदर से हमें मिलता है एक और बॉक्स, तो इस बॉक्स को भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसकी फाइनल क्वालिटी को चेक करते हैं। तो ओ भाई साहब, ये रहा हम लोग का इस बॉक्स, जो हम लोग का प्रोडक्ट है उसका फाइनल बॉक्स, जो कि कंपनी का पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। वीडियो मेकिंग यहाँ पे किट देख रहे हो एंड हम लोग को इसमें सब कुछ मिल जाता है, हम लोग को एलईडी माइक एंड अपन लोग का मोबाइल स्टैंड भी मिल जाता है। और इसके अंदर बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक कूपन, जो कि ये कैशबैक का कूपन है एंड इसमें 100 रुपये तक आपको कैशबैक मिल सकते हैं। कुछ कंडीशन दिए गए हैं उसको आप इसमें फॉलो करेंगे तो आपको 100 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। तो इसको रखते हैं हम लोग साइड में, और इस बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है तो इस बॉक्स को भी रखते हैं हम लोग साइड में। और देख सकते हो कि ये रहा हम लोग का फाइनल बॉक्स जिसके अंदर हम लोग का पूरा मोबाइल किट या वीडियो किट है। तो फटाफट से इसको भी हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो कि ये पूरा तरह से पैकिंग है, कोई भी यहाँ पे ओपन नहीं है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इस बॉक्स को भी मैं ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पे एक पकड़ने वाला हम लोग को मिल जाता है। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से खींचेंगे, इसके अंदर हम लोग को फाइनल देखने को मिलेगा। कुछ इसका पैकिंग कुछ खास नहीं किया गया है, और फटाफट से हम लोग अपने मेन प्रोडक्ट को निकालते हैं जो कि वीडियो मेकिंग किट को। ओ भाई साहब, आप देख सकते हो कि इस बॉक्स के अंदर हमें ये देखने को मिला है, और इस बॉक्स के अंदर चेक कर लेते हैं तो इस बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। और फाइनल रहा हम लोग का ये वीडियो मेकिंग किट। ओ भाई साहब, इसके नीचे से हम लोग को एक और कुछ मिला है जो कि हम लोग का ये देख सकते हैं कि जो हम लोग का हेडफोन होता है उसका एडाप्टर है, जो कि हम लोग अपने माइक में शायद ये लगेगा। तो वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। और फाइनल दोस्तों ये रहा हम लोग का वीडियो मेकिंग किट। इसके अंदर हमें सबसे पहले निकालते हैं हम लोग अपने फोन, जो कि हम लोग का मोबाइल स्टैंड है उसको। तो ये रहा हम लोग का फाइनल मोबाइल स्टैंड, और इसका आपको सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। इसके अंदर हम लोग को एक बटन मिलता है इस साइड भी और इस साइड भी, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था सेम वही प्रोसेस है। तो इन दोनों बटन को हम लोग को प्रेस करके रखना होगा, यानी कि हम लोग को इन दोनों बटन को दबा के रखना होगा, और कुछ इस तरह से ये ऊपर इजीली आसानी से आ जाता है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इन दोनों बटन को प्रेस करके इसको नीचे ऊपर की साइड में करना है, ठीक है, और ये ऊपर हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग को एक स्क्रू मिल जाता है जो कि अपने कैमरे में भी हम लोग इसे मतलब हम लोग इसमें कैमरा भी लगा सकते हैं। कैमरा के सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक पिन भी दिया गया है, आप ये देख सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग कैमरे को भी लगा सकते हैं, अपने मोबाइल को भी लगा सकते हैं, और इसको हम लोग खड़ा भी कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर हम लोग को स्टैंड मिल जाता है। कुछ इस तरह से हम लोग इसको खड़ा करके हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं अपने वीडियो मेकिंग के लिए, और ख़ास तौर पर ये ब्लॉग के लिए बनाया गया है, इसमें ब्लॉग इससे शूट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। और दोस्तों इसके अंदर हमें मिल जाता है एक मोबाइल होल्डर, जो कि इसके अंदर हम अपने मोबाइल को लगा सकते हैं इजीली। इसका देख सकते हो इसका प्रेशर भी कुछ अच्छा है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, हैवी है। और इसके ऊपर हम लोग को कुछ खास मिल जाता है जो कि सभी मोबाइल होल्डर में नहीं रहता है। और इसके अंदर हम लोग को 2 स्क्रू मिल जाते हैं बाकी सभी होल्डर की तरह। इसको भी रखते हैं हम लोग साइड में, और उससे पहले आपको देख सकते हो कि इसके साइड में सेफ्टी दे दी गया है कि आपका मोबाइल सरके ना, बिल्कुल इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट रहे। इसको रखते हैं हम लोग साइड में। और हमें इसके अंदर मिल जाता है जो कि
कनेक्टर, यहाँ पे ब्लूटूथ रिमोट जो कि हम लोग इसके थ्रू अपने मोबाइल में ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेल्फी ले सकते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो बटन दे दिए गए हैं और इसके अंदर हमें एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो कि इजिली हम अपने इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑन हो चुका है, जैसे ही कनेक्ट करेंगे हम लोग का लाइट कुछ ऐसा हो जाएगा, ब्लाइंड नहीं करेगा। तो इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ। इसके पीछे के साइड हम लोग को बैटरी लगता है जो कि मैं पहले इसे इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो ये बैटरी हम लोग का 3 वोल्ट का है, तो इसको भी रखते हैं हम लोग साइड में। और दोस्तों हमें इसके अंदर से मिल जाता है एक LED छोटा सा जो कि दिखने में तो बहुत ही हैवी दिख रहा है, और इसके अंदर हमें मिल जाता है एक स्क्रू जो कि हम लोग इजिली अपने होल्डर के अंदर कस पाएंगे, तो वो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और इसका जो क्वालिटी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके तीनों साइड में हम लोग को मिल जाता है माइक ऐड करने के लिए, आप या मोबाइल इसमें जो कि कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी मिल जाता है, यहाँ पे भी मिल जाता है एंड यहाँ पे भी मिल जाता है, और एक स्क्रू मिल जाता है जिसको हम लोग कस सकते हैं। और फाइनल और इसके अंदर हम लोग को 3 बटन मिलता है जो कि आप ये देख सकते हो, एक प्लस है, एक माइनस है और एक ऑन का बटन है। और हमें यहाँ पे बैटरी लगाने के लिए मिल जाता है, तो देखते हैं कि इसके अंदर बैटरी कैसा लगेगा। तो ओ भाई साहब, यहाँ पे हम लोग को बैटरी AA लगेगा, यानी कि 1.5 वोल्ट का बैटरी लगता है जो छोटा सा होता है, वो बैटरी हम लोग को इसके अंदर डालना होगा। ये चार्जेबल नहीं है, चार्जिंग इसे नहीं कर सकते हैं, इसमें बैटरी हम लोग को ऐड करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी रखते हैं साइड में। और हमें इसके अंदर से मिल जाता है जो कि अपना माइक, एंड हम लोग का ये माइक का साउंड क्वालिटी कैसा है वो तो वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो ये आपको सबसे पहले तो एक नॉइस कवर मिल जाता है जो कि आपके माइक को गर्दे धूल सबसे बचाता है एंड हवा से भी आपको ये बचाता है। और फाइनल ये रहा हम लोग का माइक जो कि आपको वीडियो में मेकिंग में जो कि पूरा किट में मिल जाता है। तो इसको भी हम लोग चेक करते हैं वीडियो के अंदर। और इसके अंदर एक स्क्रू मिल जाता है जो कि हम लोग इसे सेट करने के लिए, और यहाँ पे मिल जाता है एक एडाप्टर जो कि मैं आपको दिखाया कि हम लोग को ये जो वायर है जो हम लोग का हेडफोन किट है जो हेडफोन एडाप्टर है इसको हम लोग लगाएंगे इसके अंदर। तो आपको मैं दिखाता हूँ हम लोग किट पे कुछ यहाँ पे जो, और दोस्तों यहाँ पे जो एडाप्टर हम लोग का है इस पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है जो कि आप ये देख सकते हो। ये जो हम लोग का एडाप्टर है जो कि हेडफोन एडाप्टर, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक माइक का असेंबल दिखेगा, तो ये एडाप्टर जाएगा हम लोग के माइक के अंदर। और ये दूसरा वाला एडाप्टर है जो कि फोन का असेंबल दिया गया है, तो ये हम लोग को जाएगा फोन या कैमरे के अंदर। ठीक है, तो आपको सभी असेंबल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग असेंबल कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को रखते हैं साइड में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और दोस्तों मैं फटाफट से आपको इसको सेट करके दिखाता हूँ कि इसे कैसे हम लोग सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू मिल जाता है जो कि हैंड स्क्रू, अपने मोबाइल होल्डर को लेना है। और यहाँ पे कुछ दोनों साइड में आपको स्क्रू मिल जाते हैं, आप जिस तरह से कसना चाहेंगे उस तरह से सेट करके इसके अंदर इजीली आप असेंबल कर सकते हैं, अपने स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने मोबाइल होल्डर को टाइट करने के बाद हमें अपने LED को इसके अंदर सेट करना होगा। LED को सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अपने जो स्क्रू है यहाँ पे इसको ढीला कर लेना है ढक्कन को, और इसके अंदर हम लोग को जो मिलता है इसको हम लोग सेट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और इस स्क्रू को टाइट कर देंगे ताकि हम लोग का जो LED है वो गिरे ना। ठीक है, और अपने LED को सेट करने के बाद सिंपल सा हम लोग का आता है माइक। तो माइक को आप चाहें तो ऊपर भी सेट कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो इसे साइड में भी सेट कर सकते हो, या फिर आप इस साइड में भी इसे सेट कर सकते हो, जहां पे आप इसको सेट करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो मैं आपको ऊपर सेट करके दिखाता हूं। तो यहां पे भी हम लोग को सेट करने के लिए मिल जाता है, तो इसमें हम लोग सेट कर देंगे। और ये रहा माइक हम लोग का, कुछ इस तरह से इसको इसके अंदर डालेंगे तो इजीली सेट हो जाता है, और अपने स्क्रू को हम लोग टाइट कर देंगे। ठीक है, और हम लोग को इसके अंदर एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि माइक के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग जब हम लोग का ये हेडफोन एडाप्टर इसके माइक के अंदर ऐड कर लेंगे, तो कुछ इसको इस तरह से लगाकर इस साइड में भी जा सकते हैं, या फिर इस साइड से लेकर आपको यहाँ पे इसको ऐड कर देना होगा ताकि आपका जो एडाप्टर है माइक के अंदर से खराब ना हो। तो यहाँ पे हम लोग का ये एडाप्टर सेट हो चुका है, आप इसे कितना भी खींचेंगे तो ये माइक नहीं कवरेगा। ठीक है, तो ये पूरा तरह से हम लोग का कंप्लीट हो चुका है जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। और दोस्तों फाइनल ये रहा हम लोग का वीडियो मेकिंग किट जो कि हम लोग को एक ही स्टैंड में सब कुछ मिल जाता है। इसके अंदर कैमरे भी लगा सकते हैं, मोबाइल भी लगा सकते हैं, अपना LED भी मिल जाता है हम लोग को, एंड हम लोग को माइक भी मिल जाता है। अभी इसका क्वालिटी कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो सब कुछ वीडियो के अंदर चेक करते हैं। और दोस्तों फाइनल ये रहा हम लोग का वीडियो मेकिंग किट जो कि आप लोग जिसे देख सकते कि कुछ इस तरह से हम लोग इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, और कुछ इस तरह से हम लोग अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप मोबाइल या कैमरे लगा सकते हैं, इजीली आपके ये कैमरे में भी लग जाएगा, मोबाइल के अंदर भी लग जाता है। तो आपको कैमरा लगाना होगा तो आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के अंदर ही। तो मैं आपको फाइनल इसके LED का लाइट चेक कराता हूँ, एंड माइक का क्वालिटी चेक करते हैं कि इसका कैसा क्वालिटी है जो LED और माइक का। तो सबसे पहले हम लोग को अपने LED में बैटरी डालना होगा, यानी कि सेल डालना होगा, वो वीडियो के अंदर आपको पता ही है। मैं फटाफट से इसके अंदर 2 सेल डाल देता हूं।
दोस्तों मैं इसके अंदर सेल डाल चुका हूँ, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ओ भाई साहब यार ऑन हो चुका है, मैं फुल लाइट इसका कर देता हूँ पूरा फोकस, तो इसका फोकस इतना है। ओ भाई साहब यार ब्राइटनेस मेरा यहाँ पे वीडियो में बढ़ जा रहा है, देख सकते हो आप लोग कि इसके थ्रू यानी कि ये दिखने में तो बहुत ही जनरल लग रहा है कि कम लाइट जला है, लेकिन बहुत ज्यादा ये फोकस कर रहा है। ठीक है, आप पास में से देखने में कैमरे में दिख रहा है कि बहुत ज्यादा लाइट जला है, लेकिन पास में दिख रहा है कि बहुत ही कम लाइट जला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बना रहा है, चेहरे पे ब्राइटनेस आ जा रहा है। तो फाइनल इससे हम लोग वीडियो शूट करके देखते हैं। मैं अपने फोन को इसके अंदर लगाता हूँ और मैं इस माइक को बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं वीडियो का, वो आपको मेरे जो हम लोग का वीडियो मेकिंग किट है उसके अंदर जो हम लोग का माइक है, उस माइक से आपका मेरा ऑडियो जा रहा है एंड एलईडी भी ऑन है। मैं अपने स्टूडियो का जो पूरा लाइट बंद करके दिखाता हूँ कि इसका फोकस कितना आ रहा है, यानी कि जो रोशनी होता है वो कितना आ रहा है। मैं पूरा लाइट को बंद कर चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो स्टूडियो है यहाँ पे पूरा अंधेरा है, फिर भी मतलब इतना लाइट दे रहा है। मैं अपने इसको भी बंद कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं, सब यहाँ पे टोटल लाइट को मैं बंद कर चुका हूँ एंड मेरे जो रूम है उसमें बहुत ज्यादा अंधेरा है। मैं आपको इस लाइट को भी बंद करके दिखाता हूँ कि इसका देख सकते हो मेरा फेस कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन इस एलईडी को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो इसका भी आपको क्वालिटी पता लग ही जाएगा। तो देख सकते हो कि ये क्वालिटी फाइनल हम लोग के एलईडी का है और जो मेरा वॉइस जा रहा है और इस माइक का है। तो मैं फाइनल स्टूडियो का लाइट देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पता चले गया होगा कि इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है और इजीली आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये हैंड में इंस्टेबल हो जा रहा है आसानी से, मैं आपको मिलर में दिखा सकता था लेकिन मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों देख सकते हो आप लोग कि मैं इसी से एलईडी से स्टार्ट किया हूँ, मतलब इसी से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का हम लोग का व्यू लगेगा और कुछ इस तरह से हम लोग इसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जो कि इजीली कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड हम लोग का यहाँ पे माइक भी हो जा रहा है, एलईडी भी हमें मिल जा रहा है जो कि हमारे फेस को ब्राइटनेस देगा, एंड आपका फोन भी लग जाएगा, कैमरे भी लग जाएगा। तो दोस्तों आप इसे परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हैवी क्वालिटी है माइक। मुझे पता नहीं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, लेकिन आप लोगों को तो पता होगा, पहले मैं वीडियो मिक्सिंग करूंगा तो मुझे भी पता चल जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो फॉर वाचिंग, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आपको ये अच्छा लगा प्रोडक्ट तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो फॉर वाचिंग।